गंगोत्री या गोमुख हिमनद, यानी गंगोत्री या गोमुख हिमनद से इसका जन्म होता है गंगा का। और गंगा गोमुख जो गोमुख है या गंगोत्री है, ये कम से कम 36 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक ग्लेशियर है। 36 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फैला हुआ चारों तरफ एक ग्लेशियर है। और आप देख रहे हैं कि गंगा नदी कोई एक सिंगल नदी नहीं है, बल्कि ये दो नदियों के रूप में जन्म लेती है। एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। यूं तो इसकी कई जलधाराएं होती हैं, लेकिन ये अंत में दो ही धाराओं के रूप में उभरती है, उसका नाम है अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के रूप में ये जन्म लेती है और दोनों नदियां आपस में आकर देवप्रयाग में मिल जाती हैं। और देवप्रयाग के बाद ये नदी रियल में गंगा कहलाती है और गंगा नदी अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मीन गंगा बोर्न फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द फॉर्म ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। इट फ्लो इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल एंड फाइनली डिस्चार्ज इन टू बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है और इसकी कई जलधाराएं बनती हैं। और कई जलधाराओं में प्रमुख जलधाराएं जो होती हैं वो पद्मा, मेघना और कर्णफूली है। लेकिन ये नदी गिरने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, उसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ये एक चापाकार डेल्टा है, चाप के आकार का बना हुआ है। अब समस्या ये है कि ये नदी आखिर यही डेल्टा क्यों बनाती है और क्यों ये नदियां डेल्टा बनाती हैं? तो इसके पीछे कारण जो साइंस का है वो ये है, कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल विलयन आप जानते हैं हमेशा आवेशित होता है, चार्ज होता है, इसमें आवेशित कण पाए जाते हैं जैसे सोडियम आयन। और ये जैसे ही समुद्र के जल से मिलते हैं ये तुरंत जम जाते हैं, ये यानी कि ये रिएक्शन करके कोई भी एक सॉलिड फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे जो नदी अपने साथ अवसाद सेडिमेंट ले जाती है वो सब जाकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में जमा हो जाते हैं और इससे एक डेल्टा का निर्माण हुआ जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। अब हम लोग पुनः आते हैं गंगा नदी पर, किसकी दो धाराएं हैं अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों जहां पर मिलती हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं। लेकिन इसके पहले और भी कई प्रयाग हैं, जैसे एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है, जैसे कि विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। अक्सर एग्जाम में रुद्र प्रयाग पूछा जा रहा है। अब ये जो है विष्णु प्रयाग है, ये धौली गंगा या विष्णु गंगा, धौली गंगा और प्लस अलकनंदा, इन दोनों के मिलने से ये विष्णु प्रयाग बनता है। इसी तरह से एक नदी है पिंडा, पिंडार प्लस अलकनंदा, इनके मिलने से कर्ण प्रयाग बनता है। और जो रुद्र प्रयाग बनता है ये मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, यानी मंदाकिनी और अलकनंदा का जो प्रयाग तैयार होता है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। इसकी अक्सर संभावना रहती है आने के एग्जाम में, इसलिए थोड़ा इसको हाईलाइट कर लें कि रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का मिश्रण है, कर्ण प्रयाग पिंडार और अलकनंदा का, विष्णु प्रयाग धौली और अलकनंदा का है। तो इस तरह से, और लास्ट में आपको मैंने बताया अभी देव प्रयाग, तो इस तरह से ये चार प्रयाग गंगा नदी में बनते हैं। अब समस्या ये है कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और जैसे कि राम गंगा,
घाघरा बीच में घूमती घूमती, रामगंगा घूमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये एक क्रम है उत्तर भारत, यानी रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी और इसके बाद महानंदा। अभी एसएससी के एग्जाम में यही क्वेश्चन था कि गंगा की सबसे पूर्ववर्ती नदी कौन सी है, तो उसका आंसर महानंदा हुआ। तो यानी लास्ट में मिलने वाली इससे जो नदी है वो महानंदा है। अब देखिए रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और मैदानी भाग में प्रवेश कर कन्नौज के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इसी तरह से गोमती एक ऐसी नदी है गंगा की जो मैदानी भाग से निकलती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, मैदानी भाग यानी पीलीभीत, पीलीभीत में एक फुल्लर झील पाई जाती है। अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है फुल्लर झील कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में फुल्लर झील है, ये उसी से निकलती है और मैदानी भाग में बहती हुई, आप जानते हैं लखनऊ इसी नदी के तट पर बसा है, और अंत में गाजीपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश का जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे यूपी का, तो उसमें भी इसका जिक्र आएगा इसी तरह का। अब घाघरा है, इसे करनाली, सरयू इन नामों से जाना जाता है, और घाघरा नदी मापचा चुंगी हिमनद से निकलती है। मापचा चुंगी इंपॉर्टेंट है, मापचा चुंगी हिमनद यहां से निकलती है। इसे मैदानी जो पर्वती भाग में करनाली, जब भारत में मैदानी भाग में आ जाती है तो इसे सरयू कहते हैं। इसकी प्रमुख नदियां जो सहायक हैं वो शारदा, राप्ती, ये सहायक इसकी नदियां बनती हैं। यानी घाघरा नदी ओरिजिनेट फ्रॉम द मामचा चुंगी ग्लेशियर इन माउंटेन रीजन, इट इज नोन एज करनाली, वाइल इंटर इन टू इंडिया एंड इन प्लेन एरिया इट इज नोन एज सरयू। इट हैज ट्रिब्यूटरी शारदा एंड राप्ती, इसकी शारदा और राप्ती सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से आपने ये घाघरा देखा। घाघरा के बाद में गंगा की एक सहायक नदी है गंडक। गंडक को वैदिक काल में सदा नीरा कहा जाता था, वैदिक काल में इसे सदा नीरा कहा जाता था, वो अब इसे शालिग्राम, कई बार केबीसी में पूछा गया कि शालिग्राम इसे क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन यही है क्योंकि इसमें शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं जो भारतीय परंपरा में या भारतीय भारत की धार्मिकता को देखते हुए बड़े पूजनीय, बड़े छोटे छोटे काले पत्थर होते हैं और ये भारत में बड़े पूजे जाते हैं। ये पत्थर इसी नदी में मिलते हैं, इसीलिए गंडक को शालिग्राम कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है और ये भी अंत में आकर के आप जानते हैं भारत में आकर यानी बिहार में चंपारण जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद आता है कोसी, कोसी अरुणा, असी, तोसली, कई जलधाराओं के रूप में हिमालय से जन्म लेती है, लेकिन बिहार में ये प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ लाती है, भयंकर तबाही करती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, सारो ऑफ बिहार। और जो रही बात इसके मिलने की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसका पर्टिकुलर स्थान डिसाइड कर पाना कि यहाँ पर ये मिलेगी, लेकिन ये फिर अंत में बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। अब बची महानंदा। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ये पश्चिम बंगाल में ही है और पश्चिम बंगाल में ही ये गंगा से आकर मिल जाती है। तो इस तरह से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा के आपने ओरिजिन प्लेस देखे। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखिएगा, सदा नीरा, शालिग्राम और मापचा चुंगी ग्लेशियर, और हमने सरयू नाम बताया, करनाली नाम बताया, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। पीलीभीत आपको एक नया पॉइंट मिला, तो ये हाईलाइट पॉइंट है इसकी। अब इसके बाद में जरा देखिए इसकी जो दक्षिण की तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ये तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है यमुना, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद, ये गंगोत्री हिमनद के पास में है यमुनोत्री हिमनद, और यहीं पर सतोपत हिमनद पाया जाता है,
सतोपाथिना, और यहीं पर एक जगह है, इसी की ढलान कहलाती है बंदर पूंछ। यानी रियल में यमुना नदी का उद्गम बंदर पूंछ से होता है, और ये नदी आप जानते हैं भारत में बहती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना की जो सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अभी कल ही एग्जाम हुआ था जो पुलिस का, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि यमुना की कौन सी सहायक नदी है, ये तीनों दिए थे, उसमें एक कल्याणी दिया था, वो उसका आंसर नहीं था। तो इस तरह से यमुना, चंबल, बेतवा, केन, ये इसकी सहायक नदियां हैं, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब रही बात चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिले से जन्म लेती है, और ये औरैया के पास इटावा पड़ता है, वहीं पास में जा कर के यमुना नदी से मिल जाती है। लेकिन चंबल नदी पर आप देखेंगे राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें गांधी सागर एमपी में है और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में हैं। तो इस तरह से चंबल नदी की एक विशेषता है। चंबल की भी कई सहायक नदियां हैं, जैसी है सिंध, बनास, काली और छिप्रा, जिस पर उज्जैन नगरी बसा। ये बहुत क्वेश्चन आता है जी, छिप्रा उज्जैन किस पर है, छिप्रा नदी पर है। तो इस तरह से आप यमुना की चंबल, यमुना की सहायक नदी चंबल आप देख रहे हैं। और इसके बाद में जो बेतवा, आप जानते हैं बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच माता टीला बांध, माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो गंगा नदी की थे। यूँ तो और भी इसके बताए जा सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से एग्जाम है, इस हिसाब से आपके क्वेश्चन काफ़ी सामने आ रहे हैं। तो ये यमुना हो गई, इसके बाद इसकी जो सहायक नदी है सोन नदी है, गंगा की सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी एक रिहंद है सोन की, और रिहंद और जहां सोन मिलती है वहीं पर रिहंद परियोजना बनाई गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में कानपुर तक बिजली आती है। इसके बाद में है दामोदर नदी, इसे पश्चिम बंगाल का सो कहते हैं। इसका भी उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, और ये दामोदर घाटी से बहती हुई बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वह है हुगली, इसकी सहायक नदी हुगली है। तो इस तरह से आपने ये पूरा रीजन देखा गंगा का, तो ये उसे टेट के हिसाब से काफ़ी कुछ पॉइंट्स में आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा इंटायर नॉर्दर्न रिवर सिस्टम मैंने अभी कराया, इसका मतलब है यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र मैंने पहले करा दिया था, और अभी मैंने जो कराया है वो पूरा पूरा गंगेटिक रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया था, गंगा नदी तंत्र, जिसमें दो नदियां हैं रियल में, गंगा और यमुना, और उनकी सहायक नदियां, कैसे ये नदी कहां से जन्म लेती है और कहां कितने प्रयाग, और इस तरह से आपके सामने ये चीज़ है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर मानी जाती है, 25 किलोमीटर मानी जाती है, भारत की सबसे लंबी नदी है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सिंधु तो 2800, लेकिन वो भारत में नहीं बहती, इसी तरह से ब्रह्मपुत्र सर 2900 किलोमीटर है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप में सबसे ज़्यादा लंबाई प्राप्त करती है गंगा, इसलिए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह से ये गंगा नदी तंत्र